बैले जाओ हर उद्यान वन भागे एकांत स्थान जलंधर रईला सिंका कुमार सकल चिंता एड़ी दूरे तनुथापित काम ज्वरे एकांत काले जलंधर रईला सिंहिका कुमार ताकू बइला बेगे जाओ हर उद्यान बन खोज एवने कपिलास गिरी भेटबु जा त्रिपुरारी तांकू कहिबू मो संदेश बोलिबु राजा सिंधु शिष्य नाम तांकर जलंधर सर्वभुवन हे काबीर विष्णु सहित हे सर्वदेवा तांकू ताहांकू करूथंति सेवा जे जहा माग जहाकू से किछि न दियंति ताहाकू तुम्भे जीवन घोरे थाओ राजांकू किछि हि न दियो एकथा नुहे भलपण एबे नृपति आज्ञा शुण तुम्भ घरणी हेमवती युवती रत्न रूपकांति राजार योग्य तांकू दियो निश्चिंते तप करूथाओ स्वभावे जतिंकू युवती संगते थिले हे विपति एमंते नृपति आदेशे राहु चलिला कपिलासे। उच्चाट्य कराई नारद प्रत्यावर्तन कले एणे कामज्वलारे जलंधर अत्यधिक प्रवण हुई तांकर जे पारिषद राहु को डकाइछंते ये कहछन जाओ तुम्हें शिवपुर को शिव को कहिब जे एरा ए सर्व जगार राजा हेउछंती जलंधर तेणु तुम्हें तो हेउछ जोगी तुम पाखरे गौरींकर किछि आवश्यक नहीं गौरी को प्रदान कर दियंतु गौरी को दे दियंतु जलंधर को ए कथा संदेश जाए कुह कहा को कुह ना शिवंक आगे प्रकाश कर ए आज्ञा जेतेबेले राहु को प्रदान करिसेंते राहु को कहिसेंते राहु शिवपुर को जाई शिव को ए वार्ता जनाउछंती राहु को घेनिगला सी विजय करिसेंते काशी सुवर्ण मंडप उपर रत्न वेदिका व्याघ्रम्बरे पाटर नौतुल्य पेड़ी सेवती कुंकुम पाकुड़ी कर्पूर गुंड तले सिंची पनीर नीर पनीर नीर पाखे सिंची उपरे चंद्रता पटाणी से पूरे विजय शूलपाणी जोगासने सदानंद घूर्णित नेत्र अरविंद शुद्ध स्फटिक तनुकांति विविध मणि विराजंती जटा मुकुट शिरे शोभा ललाटे अर्ध इंदु प्रभा कर्णिकुंडल वसुमते पशु पारुषे पशुपति पारुषे पारिषद गण खटी अछंति जणे जण कोळी पार्वती छंति बसी क्षीर समुद्र जेहे शशी एमंते शिव अवकाशे अछंति शिव गण पासे राहु दर्शन कला जाई मंडप तले उभा होई सम्मुखे जोड़े नी कर बोलई सुण देवहर। राहु आदेश नहीं जलंधरंकर शिवपुर प्रवेश करी अपूर्व शोभा को देखुचे देखुचे हर गौरी बसी उपरे चंद्रताप लगी विभिन्न शिव पारिषद गण तांको आराधना करुछंति कर्पूर करुछंति आलती करुछंति विभिन्न वंदापना करुछंति विभिन्न स्तुति माध्यम रे शिव पार्वती को तपस्या करुछंति पूजन करुछंति ए सब देखी राहु जोड़ बेने कारण समस्तंकर भय महादेव को राहु भी भय करते महादेव को से समस्त किंतु सूर्य को ग्रास करती एवं आगामी जो आसब देख राहुग्रस्त केतुग्रस्त सूर्य पराग चंद्रग्रहण ए मास रे लगुच्छे तेणु किंतु से महादेव को भय करती महादेव को कहीं भय करती ना आपण माने देखि थे जिते ग्रह दशा पड़े भी आम सदा सर्वदा शिवंक पाखरे जदि जल लागी करुचे ताले समस्त ग्रह दशा दूरे जाए तेणु राहु भय शिवंक प्रति तेणु तांकर मंडप तले थाई प्रार्थना करुचे जोड़ करी कौन कहुचे सम्मुखे जोड़े नी कर बोइला सुण देवहर मु जलंधर राजा दूत तुम छामुरे उपगत हे देवहर मु साधारण
सार दूत भाव जलंधर कारण महाप्रतापी जलंधर ताहर दूत भाव आपण को दूत भाव किसी सन्देश देवाई आसी जे निमंते अच्छी आसी से कथा शुण देव काशी जे नाम राजा जलंधर सागर सुत महावीर विधाता बड़े महाबली युद्धे ईरी कूलदी विष्णु सहित एवं जेते रखिला पोहनायते सब संपद अठूल कला युवती रत्न न पाइला तेणु नृपति मने चिंता कि जोगे पाइला बारता तुम्भर प्रिय बती जेहु युवती कूले रत्न सेहु गौरी हे महावंत झिय जलधर को दिय तुम्हें स्वभावे तपचारी तुम्हको अभूषण नारी संसारे जेते द्रव्य सार राजा को दिय उपहार एमते राहु वाक्य शुणी ईश्वर स्तंभीभूत पुणी कोपे नदी उत्तर पुरुष हेला पुरुष हेला अवतार रुद्र ललाट आनंतरे घर नृसिंह रूप धरी महादेव का आगे वर्णना करुच्ची जेहेतु दूत दूतर काम है कौन तांकर स्वामी समस्त कथा को पहुँचवा ठीक से हीपरी भाव राहु समस्त वृतांत कहुचे जे आम पुरर राजा होती जलंधर से पार्वती को तांकु प्रदान करने कही एक शुणी महारुद्र क्रोधित हो नृसिंह रूप धार उग्र वीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुख नृसिंह भीषण भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम नृसिंह जेपरी हिरण्यकश्यप विदार करते सेहीपरी रूप धारण कले महादेव कि कहल जलंधर एत गर्व एत अहंकार तुम्हें सामान्य दूत हो मो आगे ये सब वर्णना करवा ठीक नुहे ठीक अच्छी एपरि उग्र रूप धारण कर महारुद्र निजे क्रोधित हो गले सुबल शुकल वर्ण तार तनु ज्योति विराज कोटि तनु चंचल जिह्वा विद्युत कांति हसित नख दंतपंती उत्कंठ लोम दीर्घ रड़ी पिंगल केश ऊर्धे बढ़ी निश्वास बहे खरतर चक्र आकारे बुले कर जलंता अग्नि प्राय आखि असुर भय कला देखी शरण शिव पाद गते बोलई रक्षा कर मते एपरि उग्रंकर उग्र रूप धारण करिथिबा महादेव को देखि राहु भयभीत हो गला एक ही भीषण रूप शिव जेतेबेले तांडव करते संहार कर दिये समस्त शिवंकर तांडव जेतेबेले जटाटवी गळज्जळ प्रवाह पावित स्थले गळे बलंबलंबित भुजंग तुंग मालिका तांकर तांडव नृत्य रे समस्त ध्वनि प्रतिध्वनित हो समस्त को विनाश करिवार जो संहार रूप विकटाल रूप जे कि उग्रवीर रूप माने महानृसिंह बेशरे जेतेबेले देखि दैछे राहु भयभीत हो रक्षा कर प्रभु रक्षा कर मु छार निमित्त मु दूत मात्र मते रक्षा कर यहीपरि भाव नहीं स्तुति करिछि मु दूत विशेष ब्रह्मा ब्राह्मण मते नासिबे कि कारण तुम्भे जे परम ईश्वर सर्वमंगल शुभकर तुम्भ दर्शने पापी जने न जानते जम दर्शने खटंती अशेष विपति भुजंती कुबेर संपदे एमंते महिमा तुम्भर ओ प्रभु मते रक्षा कर दर्शन फल आज्ञा हेउ मोर अपराध क्षय जाऊ एमंते राहु मुख स्तुति शुणि संतोष उमापति राहु को देखिले गोसाई उभय हस्त शिरे दे ता देखे कुपति पुरुष बोलई खाइबि मुकेश हर बोले भिक्षा तोते राहु आश्री आश्रा कला मते शिव बंधने क्रोधांकुर भक्षिला अपना शरीर चरण हृदय जाई गेले देखि प्रसन्न हेले सुली बोले ही द्वारे रख तो नाम हेउ कीर्ति मुख मोर निवास आगे थाओ प्रथमे पूजा विधि पाओ एमंते बर राहु को आज्ञा देले हर दहन पलाए भवनु शुणी कंपई तार तनु
बोलई हेमामय रथे बसिला हेमामय रथे पलाई गला पथे पथे सब रहिले निज शिव रहिले निज बास नमई महादेव दास। जय जय श्री पद्म पुराण उत्तराखंडे कार्तिक महात्मा राहु प्रवेश कीर्तिमुख महिमा वर्णन कथने दशम अध्याय। ये अध्याय आपण मान श्रवण कले किपर भाव नारद महर्षि जलंधर को उच्चाटन करई जे ए जेहेतु आसुरिक प्रवृत्तिर ए असुर निहाती भाव देवतांक पक्षे शुभंकर नुहे आकु विनाश करिबा दरकार। तांक मनरे शिवंक प्रति जो द्रोह जात करई शिवंक पाखरे कौन ना शिवंक पाखरे पार्वतींकु नै जो एक द्रोह जात करई जे पार्वतींक भळी एपरी सुंदर स्त्री त्रिभुवन मंडलरे केही नाही। एपरी जो उच्चाट्य वचन शुणी जलंधर राहुंकु दूत भावरे शिवंक पाखकु पठाई जाओ तुम्हें शिवंकु संदेश दियो से मते पार्वतींकु अर्पण करि दियंतु। एक कथा क्रोधित होई शिव राहुंकु जेतेबेले उग्र रूप धारण करी विनाश करिबा पई जाई दंडवत स्वर रे राहु आज तांक पाद तले पड़ी जाउछि। हे प्रभु मोर किछि दोष नाही मु जलंधर दूत भाव रे आसीछि मते क्षमा कर। सेही दिन रे तार स्तुति रे प्रसन्न होई शिव तांक आगरे आपण माने शिव मंदिर को जाउथिबे देखिबे आगरे एक राहु मुंड भलिया देखा जाउथिबो से होछन्दि के ना कीर्तिमुख तांक कीर्तिमुखर स्थान दे सेठी रखिछन्ति। तेणु प्रथमे देखि शिव मंदिर को गले देखिबे आगरे गोटे मुंड रहिथिबो कीर्तिमुख को पूजा करेगी कीर्तिमुख तांका ना होछनि कीर्तिमुख। एही परि भावरे समस्त वृतांत को श्रवण करि जलंधर स्वर्ग उपरे जो आक्रमण करिथले देवतांकर शत्रु जे देवतांकर शत्रु हेले ताको विनाश करिया पई समस्त किपरि चक्रांत माध्यम रे असुर को विनाश करिवे देवतांकर जे राजा इंद्र ए सब प्रयास चलेछंती। आगामी अध्याय रे आमे श्रवण करिबा आपण माने तीर्थक्षेत्र लाइफ माध्यम रे श्रवण कले कार्तिक पुराण यार अवशिष्टांश आपण माने परवर्ती अध्याय रे श्रवण करिवे। आपण माने आप एही चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं किपरी लागिला कमेंट करी जनांतु। ए कार्तिक पुराण अवशिष्टांश आपण माने श्रवण करिवे परवर्ती अध्याय रे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।